आगे बिठाई ना आगे जो अरे अब जाइयो आगे आइयो 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 मेरा सभी से अनुरोध है कि वो कृपा ये चेयर खाली हो गई है इधर बैठने की कृपा करें लेडी जाओ आगे आगे जाओ जो हमारी माता उनके लिए चेयर की व्यवस्था का स्वागत करता हूँ। बहुत समय के पश्चात वो हमारे बीच में पहुंचे हैं तो मैं मंगला की जनता से अनुरोध करना चाहता हूं कि तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनका स्वागत मेरे साथ पूरा हाथ दोनों हाथ ऊपर करके नारा लगाएंगे भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी। जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। तालियों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। पधारी है वो किसी वो कोई भी भुला नहीं सकता है। मंच पर विराजमान चंबा सदर से 3 बार विधायक पूर्व मंत्री श्री हर्ष महाजन जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सचिव एवं SC/ST कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन श्री जयसिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के महामंत्री बड़े भाई धीरज नरियाल जी, इस पंचायत के उप प्रधान भाई सुधीर जी, भाजपा मंडल चंबा के उपाध्यक्ष पवन जी, सचिव नरेश अत्री जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मित्रों एवं मंगला पंचायत की प्रबुद्ध जनता, जैसा कि आप सबको विदित है कि आगामी 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश विधानसभा का चुनाव जो है वो होना सुनिश्चित हुआ है और चंबा सदर से लगातार 3 बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक को आप सब ने जो है वो जिता करके मेहनत से जो है वो शिमला विधानसभा भेजा है और ऐसी अपेक्षा लेकर के हम फिर आप सब लोगों के बीच में आए हैं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता होने के नाते आपने लगातार 3 विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को चंबा विधानसभा से जीत दिलाई है, उसी प्रकार इस बार भी हम सब लोग मिलजुल कर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्रीमती नीलम नैयर के पक्ष में मतदान भी करेंगे, प्रचार प्रसार भी करेंगे और उन्हें शिमला विधानसभा भेजने का काम करेंगे। हम सब लोग फिर से उसी गति से काम करें क्योंकि अब वो समय आ चुका है, समय बड़ा कम है, 5-7 दिन का समय बचा है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाएगी और हम फिर से जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को शिमला विधानसभा भेजेंगे। बहुत अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि आप सब लोग श्री हर्ष महाजन जी के मार्गदर्शन के लिए जो है वो इंतजार में बैठे हैं। मेरा फिर से आप सबसे अनुरोध है कि 12 नवंबर के दिन हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी को कमल के फूल का बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। अब मेरा अनुरोध आएगा भाई धीरू जी से कि वो आए और जनता को संबोधित करें। भारतीय जनता पार्टी। आदर के योग्य हर्ष महाजन जी, हमारे प्रदेश के सचिव और SC/ST कॉर्पोरेशन के उपाध्यक्ष भाई जय सिंह जी, हमारे जिला के प्रवक्ता विनायक रैना जी, सचिव अत्री जी, उपाध्यक्ष पवन जी,
यहाँ के स्थानीय उप प्रधान सुधीर जी, हमारे बीच में रिटायर श्री बलदेव सिंह ठाकुर जी और यहाँ पर उपस्थित प्रमुख जनता, आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। उसके लिए आपको जोरदार तालियों आपके लिए। अभी विधायक जी ने बताया है कि हम इलेक्शन के मुहाने पे खड़े हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम वोट क्यों दें, ऐसा क्या है। आप लोगों को ये विद्यत होना चाहिए कि हमारी पार्टी ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी है कि जिसमें जो अंतिम पंक्ति पर जो व्यक्ति खड़ा है उस तक पहुंचने के लिए। यहाँ पे हमारी माताएं ज्यादा बैठी हुई हैं, तो बात करूंगा महिला से। सबसे पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना का शुरुआत किया था, उसमें जो हमारे बीपीएल परिवार थे उनको फ्री गैस के कनेक्शन दिए गए थे, उससे जो छूट गए थे हमारे परिवार, उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री ने गृहिणी योजना स्टार्ट की। आज के समय में मैं नहीं मानता हूं कि कोई भी ऐसी पंचायत बची होगी जहां पे हर घर में गैस का चूल्हा ना हो। उसके साथ साथ कोरोना काल में दो दो गैस के सिलेंडर आपको फ्री भर के दिए। जो आईआरडीपी के परिवार है आज तक उनको कोरोना काल से लेकर अब तक फ्री में राशन मिल रहा है। करो बात बुजुर्गों की, तो पहले जो थी पेंशन की उम्र जो थी वो 80 वर्ष थी, तो आज के समय में 80 वर्ष तक पहुंचते पहुंचते कोई आदमी जो है 80 वर्ष तक पहुंचता है। उसको घटा करके जयराम ठाकुर जी ने 60 वर्ष कर दी है, क्योंकि कांग्रेसी आके यहां पे भ्रम फैला रहे हैं कि हाँ इनको वोट क्यों न दें। तो ये ऐसे ऐसे कार्य जो हमारी सरकार ने किए हैं उसका प्रचार प्रसार जो हम बूथ में जाकर के हर घर में जाकर के जब हम वोट मांगने जाएं तो लोगों को ये बताएं। बात करें अभी तो 125 यूनिट बिजली जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने फ्री में दी है, हमारे जो गांव के लोग यहां पे रह रहे हैं तो 125 यूनिट से ऊपर मैक्सिमम कोई लोग होंगे जिनका खर्चा आता होगा, जिनकी अच्छी इनकम है, उन्होंने गैस रेफ्रिजरेटर या इंडक्शन का यूज करते होंगे तब जाके ले। तो जो एक बेचारा गरीब आदमी है जिसके घर में जो दिया जलता था पहले, तो आज वो 125 यूनिट बिजली जो है उसको फ्री में वो यूज कर रहा है। मैं पंचायत का प्रधान हूँ शुरू से, तो मेरे वार्ड जो दो ऊपर के वार्ड है जैसे नाड़ू और एक है सेई का, तो वहां पे मैं गया तो लोगों ने बोला कि प्रधान जी हमें 3 महीने या 4 महीने हो गया तो हमारा बिल जो है जीरो आ रहा है। तो ऐसी ऐसी इससे पहले कितनी सरकारें रही हैं, कभी गरीब आदमी के बारे में सोचा। बात करें पानी के कनेक्शन की, तो एक कनेक्शन लेने के लिए हमें 10 बार आईपीएच के दफ्तर में चक्कर लगाना पड़ता था। आज सरकार ने घर घर एक एक घर में जो फ्री नल लगाया है और उसका फ्री जो कोई भी आज की डेट में हमारा जो 60 या 40 या 50 रुपये बिल आता था उसको फ्री कर दिया है। क्यों हमने बोलते हैं इतने विकास के कार्य। मैं देख रहा था अभी आपके यहाँ पे आया काफी जमाने बाद, तो आपकी रोड में देखो पूरे पेवर पड़ गए हैं। तो हमारी सरकार होगी तभी हमारे कार्य होंगे। इससे पहले कांग्रेस वालों को पूछो कि कभी आप हमारे घर द्वार आए हैं, अभी इलेक्शन स्टार्ट हुआ तो 5 साल बाद उनको चक्कर लगाने स्टार्ट हो गए, कभी हमारे दुख सुख में शामिल हुए। बड़े हमारे पास ऐसे मुद्दे हैं जिससे हम ये बोल सकते हैं कि हम वोट क्यों ना डालें। आप सभी बूथ के हमारे प्रबुद्ध लोग हैं, मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि हमारा बूथ सबसे मजबूत, जो हमें पार्टी ने एक नारा दिया था, हम कभी जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं दूसरे बूथ क्यों नहीं देखेंगे, अपना बूथ को देखेंगे। हमारा बूथ का स्ट्रक्चर पूरा तैयार है, हमारे त्रिदेव पन्ना प्रमुख, पन्ना समितियां, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, सारे एक टोली बना करके घर घर जाइए और लोगों से एक एक बार नहीं 3 चक्कर जो हमारे 12 तारीख तक कंप्लीट होने चाहिए। ऐसा भी लोगों को नहीं कि हमारे पास आ रहे हैं, लोगों को बताइए कि ये आपके लिए ये किया है। कोई भी ऐसा परिवार नहीं होगा जो हमारी सरकार की जो स्कीमें चली है उससे बेनिफिट नहीं होगा, या जितने ही बैठे हो हम मैं से लेकर के महाजन साहब तक। आप सोच रहे कि महाजन साहब का नाम ले लिया, हमारी सरकार ने 3-3 वैक्सीन जो कोरोना की डोजे थी वो फ्री लगाई है, जिसकी एक कीमत जो थी एक डोज की कीमत 800 या 1000 रुपए के करीब थी। आज मोदी जी नहीं होते तो क्या इतने करोड़ों में जो वैक्सीन लगी है मुमकिन हो पाती।
कोरोना काल में हमारे कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो बोलेगा कि हमें भूखा सोना पड़ा। हमारे पार्टी के पदाधिकारी ले लीजिए, सरकार को ले लीजिए, घर घर उन्होंने राशन मुहैया करवाया। ज्यादा ना बोलता हुआ आप सभी का धन्यवाद करूंगा, और जो बातें आपको मैंने कही है आप बूथ पे जाकर के अपने घर घर जाकर डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद माता। अब मैं सबसे पहले तो दो हाथ जोड़कर तालियां, जोरदार तालियां होना चाहिए हमारे पूर्व रहे मंत्री श्री हर्ष महाजन जी से अनुरोध करता हूं कि आए और मंगला की जनता को संबोधित करें। हर्ष महाजन जिंदाबाद। हमारी माता बहन और प्यारे बच्चों, इतने हमारे करने आए जय सिंह जी, धीरू जी, रशीद खान, हमारे औड़ा दे उपप्रधान, इतने उपप्रधान हमारे जड़े बड़े कर्मठ कार्यकर्ता और बड़े झंझारू, इन्हों का भी स्वागत है। और हमारे कने राज सिंह ठाकुर जेडे हमारे महिला ब्लॉक के चेयरमैन भी रहे और भारतीय जनता पार्टी के, और विनायक राणा जी हमारे संगठन के सारे पदाधिकारीगण और साथियों, बड़ी देर बाद मुझे मंगले आने का मौका मिला। तीन इलेक्शन में तुम्हारे शीरूपर ने आशीर्वाद करनी दीती और टट्टी के काम किया, तसली करती सारी जितनी सड़क तो सू नजर आए कर दिन अज सारी मेरी बनाई दी। मंगले च जड़ा नाला था ना, नाला पुराने महलों जाओ तो पता होना इतने नाला होता, तो इतने नाला पूरा मंगले का पानी जड़ा है ना ता उतार क्यों डाक साहब सारे इतने के बहनता था है तो वह भी बढ़िया था। अज तो मंगले की पूरी हिसाब किताब ही चेंज है, अब तो इन इं लगता कि शहर का ही किस्सा है और बाकी शहरी बड़े बड़े बसे करते हैं, इतने दूर दूर दराज का आई के इलाके आए करते। जब मैं MLA था तो 172 ने स्कूल दिते थे, मैं मिडल कराए, प्राइमरी कराए, मिडल कराए, हाई स्कूल कराए, प्लस टू स्कूल कराए, ये सारा मेरे टाइम है होएगा। और बच्चे नौकर कराए मेरे टाइम च 15 साल हो, उसके बाद जब मैं चेयरमैन वगैरह बनिया 11,000 आदमी मैं चंबे डिस्ट्रिक्ट दे नौकर लगवाए, कई इंक्वायरियां हुई हैं मेरिया, ये इतने आदमी की लगी गए, ये लगी गए, मैं भुगतिया इंक्वायरियां निकले कुछ भी नहीं, जो चाबी का पता था ना क्या करना किया पास कराने बच्चे जो। अब ये चक्कर ये है, तुसी बोलते होने मैं तो लड़े कांग्रेस का, अवे बाप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। ए मैं सारा क्योंकि मेरे जैसा आदमी जो पार्टी का अध्यक्ष प्रदेश का, प्रदेश का अगर वो कांग्रेस छड़गा तो क्या रीजन होना, ऐसा क्या गल होनी है ऐसी जे मैं छड़ी पार्टी। वीरभद्र दे डेथ का बाद कांग्रेस पार्टी च अभी कोई फायदा नहीं है रहने का, ना कोई नेतृत्व है, बेईमानी बेहद हो गई और जुतियां च खीरा पटती, ये हिसाब है मचेगा। मेरे नक के नीचे पैसे कन्नै टिकटा दी जांदियां, पैसा ही सब कुछ हो गया, करप्शन बधी गई। मैं बोलिया अभी गरीब बहनते यार अभी जाई के अपने इस ये तो मैं तो ऐसे काम च हिस्सा नहीं ले सकता। असी भी इतने साल राजनीति की, 45 साल राजनीति की, मैं कोई इं भी आदमी बोलते भी चाह का प्याला भी मेरे घर पीता होए या मैं कोई रिश्वत रिश्वत कुछ दिता होए तो मैं अज तुसी ना और मैं तुम्हारा जूता हमारा सर कोई भी बोल ऐसी गल। मैं इतने PWD के काम कराए, इतने IPH के काम कराए, इतने स्कूलों के काम कराए, इतने बच्चे जो नौकरी दिती जी मैं हाले भी दिता रहा बिच उन्होंने जो बच्चे जो क्या होंदा कि गाइड करना पैंदा ठीक, टेस्ट किया ब्रेक करना वो करना पैंदा ठीक, और वो उस तरह से काफ़ी इतने साल का एक्सपर्ट हो गए दिन किए गाइड करना क्या कराना उसका क्या नहीं कराना, और जिते थोड़ी बहुत सिफारिश लगनी वो भी कर देना है ना। सबको वीडी गल है कि अगर मैं चाहता तो मैं भी 1 करोड़ रुपया
करोड़ों रुपया कमाई सकता था, किसी चीज सही रखी लैंदा चुप करी गए, कोई ठेकेदार नहीं पाली लैंदा, कोई तो मैं करोड़ों के काम दिलाए लोगों जो वो भी तुम्हारे साथी थे, बच्चे थे, भाई थे, बुजुर्ग थे हमारे। पर अभी जी फ्यूचर की पार्टी है ना, अगे आने की पार्टी, मोदी साहब की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। मेरे जैसा आदमी जो सोची समझी के निकलिया, जेड़ा बेदाग आदमी था, जेड़ा बेदाग अपना पूरा जीवन काल उस चला दिता, और असी दिता ही दिता, लिया कुछ नहीं, असी कुछ नहीं कमाया, असी मारे घर आले भी टूटी कुर्सी बजी दिया और कुछ नहीं होता। पर चक्कर यह है कि असी जनता की सेवा की, इसी च मजा है, इसी च दिल जो शांति है। हमारे बच्चे नौकर लगी गए, यही बच्चे बच्चे दिल जो शांति है। अभी जो मिठाई का डब्बा गया, मेरे अच ब्याह हो गया, नौकरी लगी, ब्याह हो गया, मेरे लड़का हो गया, कुड़ी हो गई, ले आते कभी कभी मिठाई का डब्बा, तो मिठाई का डब्बे खाई खाई की मैं मुझे शुक्र हो गई। गल ही है बोलने की गल है कि असी अपना फ्यूचर देखना, अपने परिवार का फ्यूचर देखना। मेरा परिवार तो तुसी इतने जड़े बारे बैठे दे, नहीं मेरा परिवार है ना, मेरे तो अपना जड़ा एक मुंडा एक कुड़ी अपने नौकरी च लगे दे, चले करते बॉम्बे प्राइवेट प्राइवेट फर्मा च, मेरा तो कोई नहीं है। मेरा परिवार मैं चंबे के लोगों जो अपना परिवार बनाया, और चंबे के लोगों वास्ते जब मेरे का शिमले आते या कोई फोन करते या कभी मैं चंबे आई आ, जब चाहे मैं बैंक का ही चेयरमैन था, बड़ी उच्ची उच्ची पद, तू तो दो लवाई बैठा ना, बाकी तो कई कई ने। चंबे के लोगों के वास्ते मैं हमेशा समर्पित है। मैं तो पूरे हिमाचल च काम किया, ट्रांसफर पोस्टिंग ये वो जरा सारा ठीक किया, पर चंबे के लोगों वास्ते मैं पूरा समर्पित था, है और रहना है। ये मेरी जन्मभूमि है, कर्मभूमि है। गल ये है कि भाई जब मैं एक कांग्रेस छड़ी ना, जब इतने जो सारे डिस्ट्रिक्ट का इतनी लड़ाई हुई आपस च, कि एक वो था मैं सीएम बनना, मैं सीएम बनना, मैं सीएम बनना, सारे 12 डिस्ट्रिक्ट जो 12 सीएम बनी है, और लड़ी लड़ी मरी मरी इं कांग्रेस इं लड़ते कि जी कांग्रेस पार्टी की कोई और पार्टी चे, ये जड़ा स्याप है ना। और अभी ये भागते चोर की लंगूटी से वो दिखे करते ने कई भी ये जाए बारे आना तो है नहीं कुछ भी, तो चलो टिकट ही खाई जाते हैं, इलेक्शन के दौरान हमारी लॉटरी खुली इस खाई जाते। हमारे नेता अभी जड़े कांग्रेस पार्टी के ने वीरभद्र के बाद करप्शन टूटी के पी गए थे, पता उन्होंने जो आना नहीं है कुछ भी, क्योंकि सरकार बननी है भारतीय जनता पार्टी की, चंबे की सीट आनी भारतीय जनता पार्टी जो, और पंजो सीटों चंबे की भारतीय जनता पार्टी जो, ये तो तुसी सोची के रखो समझी के रखो। मेरा जब मैं गया ना उत्थे दिल्ली गया, नड्डा साहब मेरे कन्ने एमएलए भी रहे मिनिस्टर भी रहे, मैं एमएलए था तो वह मिनिस्टर थे, मैं मिनिस्टर था तो एमएलए थे, तुम्हारे बड़े पुराने रिश्ते नहीं यूनिवर्सिटी के टाइम दे। मैं देखे इन्हें तो काम काज है कैसा कि मुझे क्या जरूरत है, नहीं तो गरीब रहते असी। तो उत्थे मैं देखा कि इन्हों के कोठिया चीजें बड़ी बड़ी कोठी है दिल्ली से, कई एकड़ा च कोठी है, आपू रहते चार कमरे से, बाकी जड़े कमरे न सारे च भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस चले करते, दिन रात ऑफिस चले करते, एक 8 बजे तक और 8 बजे तक, मतलब 24 घंटे दफ्तर चलते। इं थोड़ा मोदी अमित शाह या नड्डा साहब या होर मंत्री ने पूरा हिंदुस्तान कैप्चर कर लिया, पहले क्यों नहीं होया? ये है कि मोदी जी दे साफ सुथरे आदमी, कोई करप्शन आदि चीज नहीं, सन्यासी आदमी, भक्त आदमी, और लोगों की सेवा वास्ते समर्पित ने ये लोग, लोगों की सेवा वास्ते समर्पित ने लोग। तो चंबे का पूछी लो कांग्रेसी लाल तो कल ही तिवाड़ी के आशा कुमारी ने बनना सीएम,
सुनील दा तो बोले नहीं नीरे नहीं इन्हें बनना सीएम की पोस्ट है कितनी ने जो पता है, है? कि एक बनना सीएम के छे बनने चंबे दे चार पीढ़ियां ने है जिथे जाते उ लोग ठगने दिए बोलते ध्रुव चाल मारी सारे सीएम बने है ये तो कोई कोई अगे पिछे है ही नहीं कुछ भी अभी देखो ना मैं जाके देखा फिरी मैं लिया भी जिस तरह का ये काम करे करते नड्डा साहब या मोदी जी या अमित शाह जी भैं तो मिले वन टू वन बी अमित शाह के कने मेरी मीटिंग हुई अद्धा घंटा तो मैं चम्मे के बारे च कुछ डिवेलपमेंट के बारे च गल की जे पी एम जी एस वाई और वगैरह और मैं बोले भी उन्होंने एक फाइल कड़ी और फिर मुझे काउंटर क्वेश्चन किया मुझे जवाब और प्रश्न किया मैं बोलता उस चम्मे का भी हर चीज पता कंप्यूटर है कंप्यूटर ये काम है उन्होंने लोगों का नड्डा जी बोलते मोदी जी मुझे सवेरे चार बजे कई दफा फोन कर देंगे कि आज तुमने आ जाना है कल तुमने आ जाना है वो तो मारे तो सोई नहीं उठते बारह बजे तक फाइव स्टार होटल चाहिए सोने चाहिए कोई वो नहीं चाहिए तो ये चीज जड़ी है ना आज दिखने सुनने की है सारी दुनिया जो पता है ये भारतवर्ष च नहीं विश्व के मोदी जैसा लीडर असल जो नहीं मिल तो ये चीज दिखने की है अगर असी अपने बच्चों का भविष्य चाहिए ये देखो कोरोना काल आया ना तीन साल ही ऑलमोस्ट रहा पूरे इंडिया चाहे कोरोना कोरोना फ्री है ना टीके भी लगे दवाई भी आई सारा फ्री आया काम ताले बड़े बड़े देश जो डेवलप्ड नेशंस अमेरिका जैसे इंग्लैंड जैसे ऐसे देशों च भी हले कोरोना है हजारों आदमी मरे करते हैं और हमारा एक देश है इतना 130 करोड़ का कि हमारे देश अभी कोई भी डेथ नहीं है कोरोना की इसका बड़ी चीज क्या हुई हमारी जिंदगी बचाई थी इसका बड़ी गल क्या हमारे बच्चों की जिंदगी बचाई थी हाँ कोरोना टाइम च असा जो हार्डशिप आई असा जो मुश्किल आई क्योंकि रोजगार और घरे ताले लगी गए बाहर ताले लगी गए ये तो आया पर बीमारी ऐसी आई करना क्या था वो भी मोदी बचाई गया नहीं तो होया था हमारा काम पता नहीं चंबे कितने आदमी मरी गए थे मैं भी टीबी हॉस्पिटल पता करता था कि आज कितनी मौत हुई कि 10 मौत हुई 12 मौत हुई इतने इतने बच्चे मरी गए ये जड़ा है अज जड़ा इतने काम है ना जड़ा भारतीय जनता पार्टी करे करती असा जो कैंडिडेट नहीं असे मोदी दिखना अज अज मोदी मोदी की रैली हुई ना चंबे 1 लाख आदमी मैं बोलता भी मिंजो भी इतने साल चंबे रेंदे हुई इतने आदमी मैं अपनी होश दिखे नहीं पूरा चुगान छोटा चुगान बड़ा चुगान उसका तीजे तीन नंबर चाक सारा फुल था इतने आदमी आए कुते का चंबे डिस्ट्रिक्ट दे आदमी थे ए मोदी थी पॉपुलैरिटी ए मोदी का ग्राफ और कितनी असी खुशकिस्मत ने हिमाचल वाले के इतनी हमारी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हिमाचल का है जरा इंडिया जो कंट्रोल करे करता पूरी स्टेट जो कंट्रोल करे करता आज हिंदुस्तान च सारा जड़ा है भारतीय जनता पार्टी की स्टेट आई गई है कांग्रेस की खत्म हुई है अभी कांग्रेस की दो रही है वह भी अगले इलेक्शन च खत्म उत्थे भी गलोड़ साहब ने ऐसा थप्पड़ मारे ना उत्थे के मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का नहीं बनना जेड़ा मारी पार्टी च बनने जो तैयार नहीं आदमी कोई अबे खड़के बनाया खड़के खड़के बनाया कोई 81 साल का बुढ़ा भाई 45 साल तो मिंजो ही इस पार्टी च मैं तो अध्यक्ष था मैं नहीं कभी दिखा पता नहीं कुछ ने दिखा ना हिंदी आती ना अंग्रेजी ना उठी सकता ना बेही सकता है मारे कैंडिडेट भी ऐसे ही देंदे 80 साल के ठाकुर सिंह ब्रह्मौरी जी है अरे यार बस करो अरे असी भी इतने 3 इलेक्शन लड़ी में अभी भी खड़ा हुई जाए चंबे का जीती जाए है कोई डाउट किसी भी पार्टी का खड़ा हुई जाए कोई डाउट नहीं है तो मैं भी तो 3 इलेक्शन बाद छड़ी थी मैं तो बोलता भी भारतीय जनता पार्टी जो है नियम बनाना चाहिए
कि 2-3 इलेक्शन का ज्यादा कोई ना लड़े, ताकि हो रहा जो भी चांस मिले। ये थोड़ा कोई गल है कि एक आदमी बैठे 6 दफा भी बनी जाए, 5 दफा भी बनी जाए, और कद बनने। फिर तुसी पार्टी से रही के एडवाइस दो, पार्टी से रही के पार्टी का प्रचार करो, या और कोई काम अपना जरा अपनी एडवाइजर का काम करो। तो ये थोड़ा कोई इं जरा टाइम दे कने बदले नहीं ना आदमी, तो टाइम उस बदल दिता है ना। तो इसे जी ये मैं तुसें जो ये दसना आया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी है हिमाचल च, अवश्य बननी है। लोगों जे मोदी के ना पर अवश्य बनना है। और मुझे मुझे ये भी यकीन है, देखो मैं मेरे बाद कांग्रेस आई नहीं, मेरे बाद 3 इलेक्शन आई, बीके जवान बनया और पवन नैयर बनया। जब पवन नैयर कांग्रेस से था हार ही गया, बीजेपी गया तो जीत ही गया। मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी का वर्कर, इन्हों का कैडर, इन्हों का संगठन ग्रां ग्रां फैले दे, ग्रां ग्रां। जब मैं भी खड़े होता था तो मैं भी 3-4 हज़ार वोट कर नहीं जीती जाता था। अखीला इलेक्शन का पता नहीं 2.5 हज़ार कर नहीं जीतया मैं। पर अब ये नजर आया करता हूँ कि संगठन इतना मजबूत है ना, तो चंबे चंबे डिस्ट्रिक्ट ची इतना मजबूत है कि इन्हें जो किसी जो भी जिताई सकते, ये मैं वोटिंग तैयार है। तो ये चीज मतलब आप एक तो अपनी तरफ का हों, एक भारतीय जनता पार्टी अज ऐसी पार्टी है जिन्हें हमारे बच्चों का ख्याल रखती है। अगे जो ये याद रखना, मोदी की नीतियां, मोदी के काम, मोदी की सोच, मोदी का जड़ा परसोना है ना, जिया बोलते के अपनी शाख। इस वेले बच्चे बच्चे और ग्रां ग्रां औरतों के, महिलाओं के, हमारे माता के, बहनों के, हमारे बुजुर्गों के सारे दिल च बसी गया, और ये जाने वाला नहीं आ रहा। इन्नी तो पूरा एक दफा कांग्रेस का सफाया की कर दिता है, भारत मुक्त करी थी कांग्रेस का। पर इन्होंने जो स्कीम चलाई दी यार, बिजली पानी मुफ्त हो गया, कमाल हुई है ना। राशन ही बच्चे जो मुफ्त मिले करता कई जगह है ना, ये भी कमाल हुई है। कने जो छोटी छोटी स्कीम जड़ी बड़ी बड़ी स्कीम वो सारी लाभ दई स्कीम जड़ी है। ये अभी घरे बैठी के तुम्हारी वो निकले करती है, पटवारी का तो काम ही घट हो गया, सारी कंप्यूटर से निकली जाता काम, कंप्यूटर का सारा निकली जाता ना। तो पहले तो 500 रुपया लगता था एक फर्द लैने जो, एंट्री कराने जो ही लगता था। ये सारा कंप्यूटराइजेशन का सवाल है, एक नहीं किया ये बीजेपी ने किया। बोलने का मतलब ये है कि अभी असी नीलम नैयर जो इतने का जताई गए और मोदी जी के हाथ मजबूत कर रहे हैं, ये तुम बिल्कुल ठान लो। भारतीय जनता कई काम होंगे, कई काम नहीं भी होंगे। मैं तो समझो अपनी गरंटी दिंदा, मेरे का कोई अंग आ, बाल बच्चा कोई बुजुर्ग कोई मारी माता बहना कोई अंग ही, तो मैं उसको ठीक गाइड करगा और मैं स्वच्छ स्वच्छ गाइड करगा, और हमेशा की तरह मैं अपने बच्चों को नौकरी दूंगा। मैं वीरभद्र सिंह ने मुझे चेयरमैन बनाया ता भी मैं ना बिना भेदभाव दे काम किया। कई भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोग ने बोले जी मैं भारतीय जनता पार्टी है वर्कर है, पर मैं तुम्हारे का जेड़े मेरे घर ही आई है, मेरे द्वार ही आई है, तो उसे पार्टी क्या पूछनी है ना। उसे पार्टी बातचीत नहीं चलती, मेरे का तो कोई गरीब आदमी है, गरीब आदमी दो ही पार्टी है जेड़ी जरूर रोटी दे, वो पार्टी है गरीब आदमी। तो इसलिए मैं मुझे पता है जेड़े धीरू जी ने अपने जय सिंह जी ने अपने विनायक राणा ने एक प्रधान इन्हों पूरा संगठन जेड़ा इतने बैठे द, अभी तुसी 10 दिन रही गए, 10 दिन रही गए, दिन रात ही करना है। ये नहीं कि अपने ग्रां च ही, आस पास भी मारा माता बहना का सद फर्ज है, मारे बुजुर्गों का फर्ज है कि समझाओ लोगों जो कट्ठे करके चलो। असी अबे कोई जेड़ी जीत है मोदी की जो ना ना होनी, मोदी ने इतनी रैली की चंबे च 1,00,000 आदमी आया, तो हमारा फेलियर नहीं होना अगर असी सीट कटी की नहीं दीती। तो इसलिए इस वेले मुझे इतने इंदिरा कपूर जी भी मेरी बैड है, वो खड़ीती है, पर अभी इंडिपेंडेंट है तो पार्टी का बाहर हुई है, तो असी क्या मदद करिए।
क्या मदद करी है। अब ये पार्टी के बाहर होगी जो हमारी पूरी सिंपथी है उसके, मैं तो समझाने की भी बड़ी कोशिश की थी, बड़ा आदर कर दें मैं उन्होंने हसबेंड का भी विक्रम का भी, पर अब इं नहीं भाई पार्टी के बाहर नहीं जा सकते, पार्टी के बाहर नहीं जा सकते, तो इसलिए पार्टी ताई ताई जितनी जब असं एकजुट होंगे, बिल्कुल एकजुट हो के असं कामयाब करना भारतीय जनता पार्टी जो ये मेरा तुम्हारे कन्ने हाथ जोड़ी के प्रार्थना, और मैं आश्वासन दिलाता एक दफा फिर मिंजो बेजक हुई के कोई जानता नहीं जानता है ना, मेरे का आओ अपना काम कराओ, जो मैं ठीक गाइड करगा, मैं इतनी अपनी मैं एमएलए नहीं है मिनिस्टर नहीं है, पर मेरे का इतनी पावर है, इतने लोग मेरे टच न के मैं सीएम लेवल पर भी जो काम मैं कराई सकता, मैं हिमाचल का काम नहीं दिल्ली का भी कराई सकता, तो इस करके जिया मेरे को आंदे लोग जो मेरा घर भरी रहा जब असी हो पावर से नहीं हो असं जो कोई फर्क नहीं पैंदा, अफसर सारे मेरे बोलने पर काम कर देंगे, बिल्कुल सर सारी गल है ना, और असी गलत काम कर दे नहीं, और गलत काम कोई करे उसको छड़ दे नहीं, ये गल है, धन्यवाद। अज तुस आगे बीच आई के बड़ी बड़ी खुशी की गल है, और तुम्हारा सारे जो माता भैनों का प्यारे बच्चों का इन्हों का नौजवान साथियों का बड़ा बड़ा धन्यवाद करता, जय हिंद जय भारत। एक बार आप लोगों से अनुरोध है कि ये जो कांग्रेस वाले हैं कुछ घोटाला कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने घोटाले से ही शुरुआत की है। माता बहनों को मेरा स्पेशल आपसे अनुरोध करता हूं कि वो घर घर आ रहे हैं और एक फॉर्म साइन करवा रहे हैं आपसे, वो सारा झूठ है, और कृपा करके उसके लिए आप अवेयर रहे कि कोई भी फॉर्म साइन करके ना दे, ना ही अपना अकाउंट नंबर और ना ही आधार कार्ड दे। आपको पता है आधार कार्ड और अकाउंट नंबर से कितना बड़ा घोटाला हो रहा है इस दुनिया। मैं फिर से अपनी ओर से और अपनी पंचायत बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। बच्चे तो तुमने तैयार है कमली, हाँ हाँ जाओ हमारे साहब, इन्हें दो बार में सिमले गया था ना, सिमले ऐसे ही आए अपने त्रिपुर देवी जी मार देना, फिर ऐसी दवाने ऐसी को सब जा जा ले मार दे, क्या हो फिर दबाओ जो क्या हो गुरु देता है, देखो ना दाई विनायक भाई, कम विनायक भाई दाई देखो ले ले ले, वो ये बड़े खास बंदे ने मारे वो कमली मैं खा जाए ना, आओ जाओ मैं तीन बार आयो बता सा बड़े उम्र साहब जाओ चाचे ताई आओ, अब आओ चाचा जिथे मैं चाचे ताई वो दिया साहब कने मैं ले नहीं और ए मारा चाचा मान जाता है ए मेरे मान हाँ
ਆਇਓ ਨਾ ਪੱਲੇ ਬਸ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਇਓ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਸਰ ਹੁਣ ਛੱਡ ਲੋ ਓਏ ਅਸਤ ਅੱਜ ਤਾਂ ਲਿੰਦ ਨੇ ਕੀ ਓਕੇ ਸਰ कमली ना मेरे ना गुड आवाज आवाज नहीं आ रही हमारा नौजवान साथी है लेडीज करनी भी आइयो सारी आइयो रोज मिलते रहते मेरी मैडम तो सिलाई कर सकती पता नहीं जो पेंसिल मुंडा में सर सर याद है सर सर आई गड्डी अभी कुछ जाना सर नीचे कर ले या अंदर बड़ी जाना सर एक दिन सर जी एक दिन बड़ी थोड़े टैक में ना कोई एक गड्डी अंदर मैं तुझे करा रहा हूं मान के चल दे गड्डी सर ना वो कर लेंगे ठीक है ठीक है साहब जी ना ये करने बैठे किन्ने रहना वे।